रोक है नहीं वो अब यही रुसाई तमरो मैच भी अभी तक खाना को दियो ऑफ कैमरा तुम राम लक्ष्मण को परेशान मत करो ऐसे मां जीता हाँ मैं तुमसे ब्याह करता हूँ अम्मा यू राज में क्या लगा थी बाट बोल अगर बीमार है कोई तमिल काश नहीं आया थी मैं दिगाड़ पचाया हे गाइस गुड इवनिंग वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में ब्लॉग की शुरुआत शाम के 6 बजे से हो रही है और ब्लॉग की शुरुआत अपने घर के छत से हो रही है तो आज का ब्लॉग ना थोड़ा लेट शूट हो रहा है उसका भी एक रीजन है आज ना मैंने किचन की साफ सफाई करी आग वाला जो किचन है हमारा बहुत ज्यादा गंदा और बहुत ज्यादा काला हो रहा था तो मैंने सोचा आज आग वाली किचन की साफ सफाई कर ली जाए तो बहुत गंदा हो रहा था यार सुबह से ना उसी पे लगी हुई हूँ आज तो अब जाके काम खत्म हुआ और मैंने अभी जस्ट नहा रखा है तो रात को ही नहाया क्योंकि जब साफ सफाई करो तो मॉर्निंग में नहाने के बाद फिर पूरी धूल चले जाती है वैसे भी मुझे अब जुकाम लगने ही वाला है क्योंकि धूल तो बिल्कुल सहन नहीं होती है और जो मोसा झाला किचन में लगा हुआ था वो भी पूरा मुंह पे घुस रहा था उससे ज़्यादा अब वो होगा उससे ज़्यादा जुकाम भी लगेगा तो छत पे ना पानी खोल रखा था मैंने उसे ही बंद करने के लिए अभी छत पे आ रखी हूँ मैं और अभी रात का डिनर भी नहीं बना है अभी सब्जी काटनी है लौकी की और फिर खाना भी बनाना है तो आपको किचन में जाके दिखाऊंगी हमारा किचन अब कितना अच्छा दिख रहा है करके वैसे तो उतना ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं बना रखा है क्योंकि ऐसा है ना पेंट वेंट कुछ करना है नहीं थोड़ा सा गेरवा लगा दिया अब जब बूबू का श्राद्ध होगा उस टाइम पे घर में पेंट लगेगा और फिर तब किचन साफ भी होगा और फिर किचन को भी हम नया बनाने वाले हैं वो फिर अपने तरीके से बनाएंगे तो फिलहाल आपको दिन का व्यू तो मैं डेली दिखाती हूँ आज आप रात का व्यू देखो हमारे यहाँ से दीदी हर कितना प्यारा आ रहा है जो लाइट्स हैं वो जल चुकी हैं अब दिवाली का पर्व भी आने वाला है पटाखे भी फूट रहे हैं सभी जगह और रात को ना पूरा शहर बहुत प्यारा लग रहा है तो हम सोच रहे हैं डिनर विनर बनाएं और उसके बाद रामलीला में जाएं करके कल तो बहुत ठंडा हो गया था मैं जा नहीं पाई और आज भी ठंडा ही हो रहा है मतलब अभी तो जस्ट नहा रखा है तो थोड़ी देर आग सेकूंगी वहीं पर खाना बनाऊंगी तो फिर अच्छा हो जाएगा मतलब फिर थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर ज़्यादा ज़्यादा कपड़े पहन के जाएंगे मम्मी भी आएंगे हमारे साथ में तो इसीलिए डिनर बनाते हैं फिर रामलीला दिखाएंगे आपको हाट की बाजार वाली जो रामलीला वो पहले ख़त्म हो गई थी 10 बजे के टाइम पे अभी हाट में रामलीला चल रही है तो आज हाट लेके जाएंगे आपको तो अभी चंदा मामा का प्रस्थान नहीं हो रखा है ना अगर चंदा मामा आते हैं तो उस टाइम पर ज़्यादा प्यारा लगता है तो जब चंदा मामा आएंगे तब आपको दिखाऊंगी नाइट का भी वैसे तो अभी दिखा दिया है मैंने थोड़ा थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है उतना तो लौकी की सब्जी कट चुकी है और कुकर में डालनी है पकेगी नहीं क्योंकि थोड़ा हार्ड हो रही है बाकी इसको पकाते हैं पहले हम किचन का लाइब्रेरी जरूर बताया और ये किचन का जीर्णोद्धार करने में श्री श्री 1008 गीतू देवी का अहम योगदान है और जो प्रेरणा दी गई है इनकी सासू मोम पीछे अपनी मंद मंद दंतुरित मुस्कान दिखाते हुए 1500 रुपए मिलवा लगाया है अपन घर काम करने में लिया लगाया है एक सूट तो खरीदूंगी गरम डिगोला खरीद ली मैं अभी पापा को अंदर से कहती हूं और यो ब्याल का मोबाइल खम रहे मोबाइल हां लग के करें बेचारे 1500 में गरम सूट है कि बकावा के कपड़े ले आन के ले आन अब ये सूट बनने भ जला देना ए डिगोला शिवा दीदी हो महाराज शिवा शिवा बाबर के उबका बर्थडे हैप्पी बर्थडे कर दिए बाबर के उबू जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें। तो मैं भी आ गई हूँ अपने आग वाले किचन पे और यहाँ पे मेरी गर्म गर्म रोटियाँ बन रही हैं रोटी बनने की तैयारियाँ हो रही हैं तो फटाफट से डिनर तैयार करते हैं सब्जी तो ऊपर गैस में ही चढ़ा रखी है मैंने
क्योंकि टाइम भी कम था और सुबह से बहुत थकान भी लग चुकी है। तो फाइनली डिनर यहाँ पे हो चुका है और मम्मी जी और मैं भी तैयार हो गए हैं। सिंपल सा लुक है हमारा, वैसे भी ठंडा हो रहा है, कौन ही जाएगा फैशन करके। तो जैकेट पहन ली है, शॉल पकड़ते हैं, बाकी कनपट्टी भी लगा ली है, टोपी तो खैर क्या ही पहनती हूँ। चलो लेट्स गो, मिलते हैं वहीं जाके। हम राम मिला मुझे आ रहा है, आपको दर्द तो नहीं लगेगी? नहीं तो दरवाजा बंद करके सोना है। हाँ ठीक है, पचास रुपए दो फिर। मजाक कर रही हूँ मैं, खाना खा लिया हमने। अरे हमने खा लिया खाना। मोनी अम्मा यू राज में क्या लगाती बाड़े वो लगा, बीमार है कोई तमील काश नहीं आया थी मैं दिगाड़े पचाया पचाया तम ईटो पे ईटो आ गया ना, आ गया छप्पा आ गया ईटो। छोड़ा मैंने पराठे भी छोड़े, ओ मैंने छोड़ा
हेलो गाइज बोल दे यार। हेलो गाइज बोलना बोलना। कहाँ जा रहे है? जा रही है, जा रही लड़की है। उजा लड़की है तू? ना क्यों नहीं छेदा फिर? लड़कियाँ तो नाक छेदती है। कुल्फी लेके कहाँ जा रही? नहीं रात को ठंडा हो रहा है, तेरे नाक काट फिर ला वीडियो। नाक छेद के ना तो कट जाएगा। दो सुंदर बालक आए हैं, उनके पास बहुत सुंदर नारी है, तीन लोग उनसे भी सुंदर है। मैं उनसे अपना बचाने गई, उन्होंने मेरे माता मार दी। मैं अभी जाके उनका काम तमाम करता हूँ। खर दूसरा है ना ये? कौन जीता? कौन जीता? मारे गए हैं, दो चार डांस भी हो गए बढ़िया बढ़िया वाले। अब आगे की लीला आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है, ठीक है? भैया रे भैया देखो आगे का ताजा।
चलो कह रही हूँ अब यही रुसाई तमरो मैथ भी अमिता खाना को दियो तुम तो यही खा ला उधर ही गौर ना हो गए खैर रुको नहीं पढ़नी बतामीन तो वो मुनी हरिया साड़ी लाली बिलो आजा धक्के जगे लागम रिया ने उजा जलेबी खाने खाने में चाहो ही एकलो एकलो है वही माँ जाग कांसु तेरो जलेबी को डब या कली की ले खाचे बड़ा हल्दी मेरा खाब मैंने खानू ची मैं बहन देना मैं मीठ खानू ना कि भी खर दुहन मरिया ने सुरूप नखा ना कटी ए सीता हरण हमरी हम घर आ गया अब हम घर आ गया अपन आप बोले कि साल अगर झूलो थे पास लगी थी नाम दिल राम दिल बाय बाय लगे तब मैं तिले मुख नहीं लगायो पूज का विचार कर हिट ना हिट ना बाय 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 गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट कहो दे गुड नाइट बाय 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 बाय। तो दोस्तों रात के 11:30 बज चुके हैं और अभी तक ना रामलीला खत्म नहीं हो रखी है। हम तो थोड़ा टाइम से घर पहुंच गए, सीतारण भी नहीं देखा क्योंकि काफ़ी लंबा समय लग गया था। फिर सुबह ना नींद नहीं खुलती है तो टाइम से ही आ गए हम लोग सभी। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं। एक ग्लास दूध पीती हूँ फिर सोती हूँ। मिलते हैं और ऐसी वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय। कैसे लगी डीडी हाट की रामलीला हाड़ गाँव की कॉमेंट करके जरूर बताना सभी लोग।